वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, अज की वीडियो विच तुसी सरवण करोगे साखी भाई मरदाना जी दी। भाई मरदाने की घरवाली गिला करती है कि मुसलमान बीबिया मैनू ताना मार दिया ने। तेरा आदमी मुसलमान हो के एक हिंदू फकीर के पिछे रबाब चुकी फिरदा है। ते भाई मरदाना घरवाली नू कहिंदा है, अते फिर तू की आख्या, की जवाब दिता? मैं की जवाब देंदी, ठीक मार दिया ने ताने। वाकई वह बेदिया की कुल विचों पैदा हुए हैं, अते असी मुसलमान हन। ता फिर भाई मरदाना जी कहिंदे हन, नहीं तू कहना सी कि मैं जिस दे पिछे रबाब चुकी फिरदा है ओ हिंदू मुसलमान नहीं है, ओ सिर्फ अल्लाह राम दा रूप है, ओ सब दा सांझा है, ओ किसे फिरके जात पात दे बंद विच नहीं हुंदा, किसे दायरे दी गिरफ्त विच नहीं आउंदा। ता भाई मरदाना जी दी घरवाली कहिंदी है, अगर ऐसा है साढ़े घर तां कदी आया नहीं ते ना ही कदी साडा खाना खादा है, अगर सारे उसकी निगाह च इको ही ने तो किसी दिन वह साढ़े घर भी आन। इन्ने विच मरदाना कहता है, फिर अज इंज ही सही, तू बना लंगर भोजन बना, जो कुछ है घर दे विच वह सब कुछ बना, मैं बाबे नू लैके आना हाँ। तो भाई मरदाना जी की घरवाली कहती है, मैं बना तो दिंदी हाँ, वह नहीं आएगा, वह उच्ची कुलदा है, साढ़े घर नहीं आवगे, फिर मेरे हाथ का पूजन तो खाना दूर की गल है, मैं मुसलमानी हाँ, असी मुसलमान हाँ। तो भाई मरदाने ने भी कह दिता, तू यकीन रख बाबा जी जरूर आवगे। उस ही वक्त भाई मरदाना जी तुर पे, पर यह भी सोचनी भी सी कि किधरे मैनू अपनी घरवाली दे कोलों शर्मसार ना होना पवे, बाबा जवाब ना दे देवे, ये सोचता तुरिया जा रहा है। साध संगत जी, अजे 100 कदम ही चलिया होना, बाबा जी रास्ते विच इधर ही आंदे आ मिले। मरदाने सलाम कीती, सजदा कीता, सुभावक ही पुछ लिया, बाबा जी कित्थे चले? ते सतगुर कहंदे ने, मरदानिया जी कर रहा सी दुपहर दा लंगर तेरे कोल करिए, चल चलिए तेरे घर। इन्नी गल सुन के मरदाना रो पिया, अखां भर आईयां मरदाने दियां। बाबा एक निक्का जिहा किनका शक दा आ गया सी दूर हो गया है, वाकई ही तू सब दा सांझा है, गुरु ते ओ है जो हिरदे दे शक नूं मिटा देवे, जिसदा नाम, जिसदा ज्ञान, जिसदी होंद अंदर दे सारे शक धो देवे। जिवें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ए पंक्तियां दर्ज हन, आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद, थिती गौड़ी महला पांचवा अंग 299। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह सूरज सांझा हुंदा है, इस तरह ही रहबर पुरश अते संत सब दे सांझे हुंदे हन, और जो सांझा नहीं है उसनू संत जां रहबर कहण दी लोड़ ही नहीं है, वह सूरज नहीं होवेगा, किसी दे घर दा टिमटमाउंदा होया दीवा ही हो सकता है, होर कुछ नहीं, वक्त नाल बुझ जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस गुरु प्यारे ने यह साखी सुनी है वह अगे भी शेयर कर देवे अते कमेंट बॉक्स विच वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगवावे। गुरु साहिब सब दा भरोसा भाई मरदाने वांगू बना दें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।